inside of us that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ही कुछ स्पेशल डे, क्योंकि हम जा रहे हैं दावत में अपने सिस्टर के घर। तो ये था मेरा आज का आउटफिट जो कि मैंने पहना। इसके साथ मैंने वाइट पैंट लगा ली थी क्योंकि कुछ अलग यूनिक होना चाहिए। तो अब मैं तैयार हो रहा हूँ। ये थी मेरी कैजुअल क्रीम जो कि मैं लगा रहा हूँ, खान क्रीम। इससे बहुत अच्छा ग्लो करता है चेहरा और पसीने भी नहीं आते बिल्कुल भी, और बिल्कुल ड्राई रहता है, बहुत अच्छा रहता है, फिर फ्रेश रहता है पूरा दिन आपका चेहरा। तो अभी मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, देन मैं हेयर्स बनाऊँगा और फिर हम लोग चले जाएंगे। और किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते, तो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को मैं अपने परफ्यूम के बारे में बता दूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ रेड डिज़ायर, ये है परफ्यूम नेम, और बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से बासानी आपको मिल सकता है। सो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं जब हम जा रहे हैं, और मेरी दूसरी सिस्टर भी आ रही हैं साथ में, और हम लोग कुछ हल्ला गुल्ला करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने हमारी दावत की थी, ईद दावत की थी, तो वो अब हो रही है। तो अभी हम चल रहे हैं, फिर मैं आपको आगे के दिखाता हूँ। लोग सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को रूम भी शेयर करवाऊँ आप कि कैसा है रूम। ये है रूम, देखें फर्नीचर ये है, बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत ही बड़ा कमरा था माशाल्लाह से। तो बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है मेरी सिस्टर का। और ये थी अलमारी, और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बैग भी दिखा दिया कि इस तरीके से है। तो और खाने में डिशेस थी, सीख कबाब थे बहुत ही यमी थे, और बीफ बिरयानी थी और सैलड थी, और वाइट कढ़ाई भी थी जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी थी। ये सब चीज़ें ख़ुद बनाई थी मेरी सिस्टर ने, और बहुत ही मज़ाक करा हम लोगों ने और बहुत ही इंजॉय करा। और अब हम लोग खाना वाना खा के फारिग हो गए, और बट अभी भी कुछ लोग मेहमान खा रहे थे, जिसके मेरे भाई खा रहे थे क्योंकि वो थोड़ा लेट आए थे। तो अभी रात की 11 बज रहे हैं और हम लोगों ने अब जाने की तैयारी पकड़ ली है, और अब सुबह हो गई। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज का व्लॉग भी शेयर करूँ, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जाना है अपने स्कूल प्रैक्टिकल के लिए। बहुत दिल चाह रहा था इतने दिनों से कि कहीं जाऊं, स्कूल जाऊं, क्योंकि सब फ्रेंड्स वगैरह एक साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो अभी मैं फ़्रेश होकर आ गया हूं और मैं बेबी क्रीम अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज का अपना प्रैक्टिकल व्लॉग भी शेयर करूँ और अपना स्कूल भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ मेरा ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो और बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं और आप लोग क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में क्या देखना चाहेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएँ कि आपको क्या देखना पसंद है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वैसी ही व्लॉग शेयर करूँगा। तो अभी मैंने बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है और थोड़ा फेयर लग रहा है कलर। सो अभी मैंने प्रेस करने हैं, क्योंकि मैंने रात में करके नहीं सोया था, क्योंकि हम लोग 11 बजे लेट आए थे
घर पर, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह में ही प्रेस कर लूँगा, तो मैंने अभी प्रेस कर ली है। अब मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल के लिए देर ना हो जाए। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why you like it. So finally, I'm ready. Ho chuka. बस काम रहता है, जल्दी से मैं काम कर लेता हूँ, फिर हम चलते हैं स्कूल। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि स्कूल में सब एक साथ फ्रेंड्स वगैरह एक साथ जब होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही तफरी करने को मिलती है। स्कूल लाइफ तो बेस्ट होती है, सबकी ही स्कूल लाइफ बेस्ट होती है और बहुत ही मज़ा करते हैं स्कूल में। हम लोगों ने तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही इंजॉयमेंट की थी, और जब भी मुझे स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। और कॉलेज लाइफ भी अच्छी होती है, बट स्कूल लाइफ जो होती है वो तो स्कूल लाइफ होती है, बहुत ही मज़ा आता है। और देखें, मैं रेडी हो चुका हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों के साथ क्या नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल अपनी फैमिली जैसे ही समझता हूँ, और आप मेरी फैमिली जैसे ही हैं, यूट्यूब मेरी फैमिली है। तो प्लीज़ आप मुझे इसी तरीके से प्यार देती रहिए, और मैं आप लोगों के लिए और न्यू न्यू वीडियोस लाता रहूँगा न्यू न्यू कंटेंट्स में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। तो ये था मेरा प्रैक्टिकल, बहुत इजी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा गया था, और हम लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट भी की। देख सकते हैं यहाँ पर कम बच्चे आए हुए हैं, बट अभी आ रहे थे और सर यहाँ पर कॉपीज़ दे रहे थे सबको, और बहुत ही मज़ा आया है। हम लोगों को आज के दिन तो यादगार रहेगा, मुझे और मेरे फ्रेंड्स को भी। तो यहाँ पर सब अपना फेसेस छुपा रहे थे क्योंकि सबको पता था कि मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, तो सब अपने फेसेस को छुपा रहे थे कि कहीं मैं अपलोड ना कर दूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम लोगों ने कितनी तफरी की, कितना मज़ा किया, और सब अपने फेसेस को छुपाने में लगे हुए हैं, बट मैंने इन लोगों के फेसेस दिखा दिए। देखें, हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। तो ये था मेरा आज का शॉर्ट व्लॉग, और अभी वापसी पे हूँ मैं। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।